तो दोस्तों अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपका भी सॉफ्टवेयर जो है आपके डिवाइस में हैंग का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर को देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं सॉफ्टवेयर हैंग से रिलेटेड इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं और आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए अगर आपका सॉफ्टवेयर हैंग करता है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। होता है ना कि कभी कभी आप जो है लंबे यूजेस के बाद आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा जो है हैंग करने लगता है एंड प्रॉपर तरीके से आप कोई भी फीचर एंड फंक्शन जो यूज नहीं कर पाते हैं। प्रोसेस के थ्रू मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको यहां पे ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपका रियलमी का डिवाइस है और सॉफ्टवेयर हैंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो कैसे आपको दूर करना है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अपने डिवाइस की सेटिंग पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपली टैप करना है। सबसे पहले तो आपको सारे ऐप को यहाँ पे बंद करना है, क्लोज करना है, जितने भी एप्स जो है रन कर रहे हैं आपके बैकग्राउंड में। देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1000 जो है MB के आसपास भाई सॉफ्टवेयर जो है हमारा मतलब एप्लीकेशन जो है रन कर रहा था। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको सिस्टम ऐप में आना है। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी आपने ऐप क्लोज किए होंगे सारे ऐप क्लोज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे ऐप जो है फाइनली जो है क्लोज हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको सिंपल जो है बैक जो है चले आना है। तो दोस्तों बैक आने के बाद आपको सिंपल यहां पे एप्स को जो है ओपन करना है। एप्स को ओपन करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में चले आना है। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद सबसे पहले यहां पे आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिलते हैं, इसको टैप करना है और यहां पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट को सबसे पहले सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट को आपको सर्च करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट को सर्च करने के बाद आपको यहां पे स्टोरेज यूजर्स को सिंपली टैप करना है और इसको जो है क्लियर करना है। इसको सिंपली बैक लेना है और इसको सिंपल यहां पे फोर्स स्टॉप कर लेना है। ठीक है, फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको सिंपल बैक चले आना है और बैक आने के बाद आपको यहां पे सर्च कर देना है कलर OS इंजन को। ठीक है, इसको भी यहां पे सिंपली टैप करना है आपको और सिंपल इसको ओपन करना है, इसको भी यहां पे क्लोज करना है कुछ इस तरीके से। क्लोज करने के बाद आपको सिंपल यहां पे बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद आपको यहां पे फोर्स स्टॉप कर लेना है। जैसे ही इतना वर्क करेंगे तो ये दो चीज को जरूर से फोर्स स्टॉप कर लेना है। ठीक है, इसको फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको एक चीज और जरूर से करना है, सिस्टम UI को आपको सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम UI, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे की साइड में आएंगे सिस्टम UI, तो सिंपल इसको ओपन करना है। इसको भी यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लियर करना है और इसको भी फोर्स स्टॉप कर लेना है। इन तीनों चीजों को यहाँ पे फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको सिंपल बैक चले आना है। अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है एडिशनल सेटिंग में आना है और सीधा जो है आपको डेवलपर ऑप्शन में चले आना। ठीक है, यहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलता है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है देखने को तो आपको करना क्या होगा कि यहां पे अबाउट डिवाइस में आना है, उसके बाद आपको यहां पे जो है वर्जन के ऑप्शन में आना है, यहां पे बिल्ड नंबर पर टैप करना है और यहां से आपको अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना है। तो फाइनली हमारा डेवलपर ऑप्शन देख सकते हैं इनेबल हो चुका है। सिंपल आपको बैक लेना है, वापस से आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, स्क्रॉल आप जैसे ही करेंगे नीचे की साइड में आपको चले आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपल नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इन ऑप्शंस को यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे आपको इनको ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको क्लोज कर देना है इस तरीके से। अब आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस को एक बार यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना कुछ इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे रीस्टार्ट पर टैप करेंगे तो आपका डिवाइस जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर हैंग का प्रॉब्लम था अब मे बी इतने ट्रिक्स को यूज करने के बाद जो भी दिक्कत थी वो आपको अब देखने को ना मिले, क्योंकि भाई हो सकता है कि आपको जो है कई सारे टाइम जो है सॉफ्टवेयर यूज करते करते बग वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं जिससे आपका डिवाइस जो है हैंग करने लगता है। तो ये ट्रिक्स को जरूर से फॉलो कर लेना है और जरूर से हो सकता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो वीडियो को जरूर से आपका अगर ये वर्क कराओ तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।